आई थिंक दुनिया भर में जो इकोनॉमी है वो कुछ करेक्टिव मेजर्स की तरफ तो जा रही है। ओवरऑल दुनिया की सारी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई था कोविड के टाइम में, और इवन फ्रॉम द 2008 जो क्राइसिस है तब से लेकर हमने एक्सेसिवली क्वांटिटेटिव ईजिंग के ऊपर जो है वो अपनी इकोनॉमीज को चलाया है। बहुत ज़्यादा हमने जो प्रिंटिंग ऑफ मनी है उसको तेज़ कर दिया था। दिस साइकिल, दिस पार्टी हैड टू एंड। दुनिया भर के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ करेक्शंस तो देखी जा रही हैं। दुनिया में डिस्कशन ये है कि वुड इट बी अ सॉफ्ट लैंडिंग, विच मीन्स कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी ओवर हीटेड इकोनॉमी को मैनेज करेंगे और इन्फ्लेशन को मैनेज करेंगे, और वुड इट बी अ रिसेशन वेयर थिंग्स वुड गो अ बिट आउट ऑफ कंट्रोल, और वुड इट बी अ मेजर डिप्रेशन लाइक द 1931 डिप्रेशन और द मेजर बस्ट्स जो हमारे होते रहे हैं पास्ट में भी। तो दुनिया में डिस्कशन ये है कि इन तीनों में से क्या होगा। इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स सम काइंड ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड। द होप इज दैट दोज हु शुड मैनेज इट, दे मैनेज इट विद अ वेरी सॉफ्ट लैंडिंग, जिसका मतलब है कि जो स्पीड ऑफ इकोनॉमी है वो थोड़ी स्लो तो होगी, लेकिन इस तरह से स्लो होगी कि लोगों को उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट महसूस ना हो। अब ये ऐसा हो नहीं पा रहा है, इवन वेस्ट में नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, लोगों के पास वसाइल कम है खर्च करने के लिए। तो इवन वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में हमारे इन्फ्लेशन रेट, वहाँ 9% इन्फ्लेशन रेट, हमारे पास 25% की कंजर्वेटिव नंबर्स भी 25% के आ रहे हैं। जो मेजर इस्तेमाल की चीज़ें ऑयल, पेट्रोलियम कमोडिटीज़ हैं, स्टील सीमेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए, इनके अंदर तो इन्फ्लेशन 30% से भी ज़्यादा लास्ट ईयर में हुई है। तो लोगों की कुवत खरीद से बात बाहर निकल गई है। इसकी वजह से इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ पर भी उतना ही पड़ता है। जब लोग सरिया नहीं खरीद सकेंगे तो ज़ाहिर है सरिया की मिल वाला जो मजदूर है उसकी भी नौकरी डैमेज होएगी। जब आप बिल्डिंग्स बन रही थी वो नहीं बनेंगी तो फिर भी मजदूरों का नुकसान होएगा। अगर जो है लोग पैसे फालतू नहीं बचेंगे और कपड़े नहीं खरीद सकेंगे तो टेक्सटाइल का भी नुकसान होगा। तो ओवरऑल डिमांड स्क्वीजिंग का मतलब है कि पूरे मुआशरे में एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, इनकम लेवल्स भी कम होंगे, और विद सच हाई इंटरेस्ट रेट आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी ज़्यादा है कारोबार करने की कि इन्वेस्टर तो जो है उसको यानी 20-25% से नीचे फ़ायदा ही नज़र आएगा। जब 13% 13.75% जब आपका जो है स्टेट बैंक जो है वो बांट रहा है पैसे, तो इन्वेस्टर को तो फिर ज़ाहिर है यानी वहाँ का ज़्यादा जो है एडवांटेज नज़र आएगा। बॉन्ड इवन सिक्योरिटीज़ है, सारा ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर डिमांड कॉम्प्रेशन है, जिसकी वजह से होप ये की जा रही है कि इन्फ्लेशन शायद मैनेज हो जाएगी। यू हैव टू सी, मेरे ख्याल से अगर हम ये स्टैगफ्लेशन में जाएंगे तो ये इन्फ्लेशन भी शायद मैनेज ना हो, बट होपफुली इन्फ्लेशन ज़रूर मैनेज हो जाएगी एंड देन दिस साइकिल विल हैव टू रिवर्स। अदरवाइज तो एकदम से दुनिया भर में जो है वो इसका बहुत टाइटनिंग इफेक्ट देखा जा रहा है और सारी की सारी इंडस्ट्रीज में देखा जा रहा है। इन हालात में जब दुनिया की हर तरह की चीज़ के अंदर जो है वो आपकी करेक्शन आ रही है, और साथ में रियल इस्टेट के साथ में जो पैसा है उसकी कदर भी दिन ब दिन इन्फ्लेशन की वजह से कम हो रही है, तो जो पैसे का इस्तेमाल है उसको अच्छे तरीके से करने की वैल्यू और बढ़ गई है। आप ना डॉलर्स रख सकते हैं क्योंकि डॉलर्स की वैल्यू भी बहुत कम हो रही है, ना आप लाइक स्टॉक्स रख सकते हैं क्योंकि दुनिया में स्टॉक्स 35-40% गिरे हैं। जो क्रिप्टो में इन्वेस्टर्स थे उनको तो शायद 80-85-90% करेक्शन का सामना करना पड़ा। तो जब मार्केट्स जब नीचे आती हैं तो हर चीज़ अपनी ट्रू वैल्यू के करीब या फिर अपनी कॉस्ट बेस्ड वैल्यू के करीब जो है वो आ जाती है। कॉस्ट बेस्ड से नीचे जाना बड़ा मुश्किल होता है। रियल इस्टेट जो है अगर आप कॉस्ट बेस में लें तो उसके लिए हमेशा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर एक प्रैक्टिकल यूज़ केस के साथ एक इस्तेमाल की तो उसके लिए हमेशा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है रियल इस्टेट में भी और इवन इंडस्ट्री के अंदर भी, जहाँ रियल वैल्यू मौजूद है, जहाँ एक बलून वैल्यू थी वो निकल गई है, लेकिन जहाँ एक रियल वैल्यू मौजूद है, जिस चीज़ की रियल डिमांड है, जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, उसकी डिमांड अभी भी ग्रो करेगी। आबादी बढ़ रही है, जेनेरिक डिमांड अभी भी ग्रो करेगी। शॉर्ट टर्म साइकिल्स के बियॉन्ड अगर देखें तो वेल्थ चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू हैपन।
पहले किसी और तबके के पास और किसी और इंडस्ट्री के पास पैसे थे, अब किसी और तबके और किसी और इंडस्ट्री के पास होंगे। अब ज़ाया करने के लिए पैसे शायद कम होंगे, अब प्लॉट्स के अंदर बहुत सारा फ़ायदा शायद कम नज़र आएगा, लेकिन आप अगर इनोवेटिव यूज़ केस ऑफ रियल एस्टेट के हिसाब से देखेंगे तो शायद फ़ायदा बढ़ेगा। हमारे पार्टनर्स ने, मैं उनसे बात कर रहा था, आई थॉट के ओवरऑल डिमांड की स्क्वीजिंग आ रही है, तो मैंने उनसे बोला जी आपकी कोवर्किंग स्पेस के अंदर जो है वो आजकल कैसा चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि डिमांड पहले से ज़्यादा दुगनी हो गई है, बिकॉज कुछ कंपनीज के कुछ लोग तो स्क्वीज हुए हैं, लेकिन कुछ और कंपनीज ने अपने खर्चे कम करने के लिए, अपने बिजली के एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपने बाकी खर्चे बचाने के लिए अपने थोड़े स्टाफ के साथ उनके पास शिफ्ट कर लिए। सो इनोवेटिव यूज़ केसेस जो जगह जगह को ऑप्टिमाइज करेंगे, जो ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करेंगे, जो लोकेशन को ऑप्टिमाइज करेंगे, जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे होंगे जो कि हमारी आजकल की ज़रूरत है, उन यूज़ केसेस के लिए डिमांड शायद बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ जाएगी। हाँ, अगर आप एक ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जो खाली बिल्डिंग है, वैल्यू कम ऐड है, और आप उसके लिए कुछ यू नो यू नॉट एडिंग वैल्यू, अ लॉट ऑफ वैल्यू दैट इज़ रिक्वायर्ड, तो शायद जो है वो आप उसके लिए बहुत अच्छा आपके लिए वो आगे का वक्त ना हो। The new fiscal regime and the new monetary regime, this has to operate in cycles. ये करंट साइकिल जो है ये करंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, एंड यू नो जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ये दिस पॉलिसी विल नॉट कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग। वेरी वेरी पॉपुलर यू नो वेरी स्पॉट ऑन इकोनॉमिक एनालिसिस, वी नो द हिस्ट्री इज वेल, ही प्रेडिक्टेड दिस रिसेशन इज वेल। He's been saying that probably the cycle will reverse very soon. The Fed, International Monetary Institutes, वो सारे भी अपने जो measures हैं उनको बहुत जल्दी reverse करना पड़ जाएगा, because this is not going towards the soft landing that is predicted. This is going towards a crash. So value के साथ काम करेंगे तो दुनिया, all of this is managed cycle. This cycle will reverse very soon, but there is little room for fluff. For example, मैं अगर आपको टेस्ला की मिसाल दूँ, सो टेस्ला जो है वो एक बहुत इनोवेटिव काम कर रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इट्स अ गुड कंपनी, बट कंपनीज़ के लिए जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं वो ये हैं कि उनकी प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है। वन ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है, उनकी करंट आमदन जो है वो कितने साल में उसकी शेयर वैल्यू को पूरा कर लेगी। या अगर हम रियल इस्टेट में बात करें तो रेंटल वैल्यू है जैसे, सो मार्केट के अंदर प्राइस टू अर्निंग रेशो 10-20% की जो रेंज है, 10-20 की जो प्राइस अर्निंग रेशो है, जिसका मतलब ये बनेगा कि 10-20 साल में करंट मुनाफे से अगर मुनाफा ना भी बढ़े तो वो अपनी कीमत पूरी कर लेगी, इन्वेस्टमेंट पूरी कर लेगी, करंट इन्वेस्टमेंट 10-20 साल में पूरी। दिस इज़ अ गुड प्राइस टू अर्निंग रेशो टू ऑपरेट ऑन फॉर इंडस्ट्रीज, पर ये रियल इस्टेट में भी ऐसे ही नंबर्स चलते हैं कि आप अपना रेंट प्लस रेंट ग्रोथ लगाएंगे तो आप यू नो 15-20 साल में अपने पैसे पूरे कर लेंगे, अमूमन इससे पहले कर लेते हैं। अगर ये नंबर जो है वो 50 हो जाए अनरियलिस्टिक हो जाएगा, अगर ये नंबर 200 हो जाए तो और अनरियलिस्टिक हो जाएगा, और किसी केस में अगर 1000 पे चला जाए ये नंबर प्राइस टू अर्निंग रेशो का, तो इसका मतलब है आपकी करंट इन्वेस्टमेंट 1000 साल में जो है वो पैसे पूरे कर रही होगी, तो कुछ ना कुछ तो खराबी है। तो देर वॉज दिस फ्लफ इन द इकॉनमी जो सिर्फ अच्छी मार्केटिंग की बेसिस पे, एक फ्यूचर के सुहाने ख्वाब की बेसिस पे वो वैल्यू को जो है वो अनरियलिस्टिकली हाई लेवल्स पे ले गए। रियल इस्टेट में भी ऐसा ही है, एक जगह है जिसकी इतनी वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही, वादे ही हैं, होप्स एंड ड्रीम्स हैं, और आप जो है वो मरला वहाँ 4-4 करोड़ का मरला ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ से आप उतनी आमदन नहीं निकाल सकते, और किसी और जगह से वही आमदन आप शायद 1 करोड़ से निकाल सकते हो, तो फिर वो 1 करोड़ की तरफ बहुत वैल्यू बाकी है और वो 4 करोड़ को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो वो फ्लफ जब मार्केट जो है वो क्रैश करती है तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा क्रैश वहाँ आता है जहाँ ये एक्स्ट्रा मार्केट के अंदर फ्लफ हो। जो रियल वैल्यू की चीज़ें होती हैं उनके अंदर अगर आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स पे खड़े हुए हैं, गियरिंग रेशो आपकी ठीक है, आपका डेट टू इक्विटी ठीक है, या आप अगर डेट पे बिल्कुल भी नहीं है तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आपकी अपनी बिल्डिंग है कोई मसला नहीं है, आपका अपना घर है कोई मसला नहीं है, हालात ख़राब हैं आप कौन सा बेच रहे हैं, आप आराम से जो है उसको यू नो यू गो थ्रू दीज साइकिल्स। सो एक चीज़ जो है ना वो इसमें इम्पॉर्टेंट समझने की कि ये साइक्लिकल है, ये साइकिल्स में ऑपरेट करता है, जब अच्छे वक्त आते हैं तो बुरे भी आते हैं। ये सिस्टम्स मैनेज सिस्टम्स हैं,
ये सिस्टम्स जो हैं ये कुछ फैक्टर्स को ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन को थ्रू फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करने के लिए बने हुए हैं। तो जब इकोनॉमी ओवरहीटेड हो जाती है तो सिस्टम के पास एक ही सलूशन है, स्विच को टर्न ऑफ करें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, स्विच को टर्न ऑफ करें, तो इन्फ्लेशन मैनेज करें। सोल्यूशन ही है, इट्स ऑटोमेटिक सोल्यूशन। तो अब वो सिस्टम ने स्विच टर्न ऑफ कर दी है, अब कुछ ना कुछ तो मार्केट के अंदर से हवा निकलनी है। अब वो जो हवा निकलनी है उसको एंजॉय द राइड, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वैल्यू, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेल्थ चेंजिंग हैंड्स। तो वो ये सारा कुछ तो होना ही क्योंकि सिस्टम ने अनाउंस कर दी है, लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। सिस्टम जब ये देखेगा कि अब लोग बहुत गरीब हो गए, अब लोगों के पास इन्फ्लेशन तो चले ठीक है लेकिन खाने को कुछ नहीं बचा है, लोगों की आमदनी नहीं बची है, रेट तो अब चले दोबारा से जो है वो लोग अकस्टम हो गए हैं, अब तो 250 का पेट्रोल भी ठीक लगता है, लेकिन 250 तो होना कुछ हो तो सही, तो हम पेट्रोल अब इकोनॉमी के अंदर जो जो बंदा बड़ी गाड़ी चला रहा था वो वापस छोटी गाड़ी पे आ गया कि यार हाँ पेट्रोल महंगा हो गया, जिसके पास चार जो जो गाड़ी पे था वो बाइक पे आ गया। वही नहीं, लोग अपने वसाइल के मुताबिक जब अपनी जगह पे आ जाएंगे तो फिर उनकी ख्वाहिश होगी कि अब आमदन तो हो, तो आमदन के लिए सिस्टम के पास फिर ये जवाब होगा कि इंटरेस्ट रेट्स को लोअर करें ताकि इकोनॉमी में क्रेडिट पैदा हो, ताकि फिर से लोग जो है वो कोई ना कोई काम कर सकें और फिर दोबारा से ग्रोथ आ जाएगी। तो हमें ये मुश्किल वक्त के अंदर अच्छे फैसले करने हैं, और वो फैसले करने हैं जिसमें हम डेट ना लें, डेट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हम ट्रू एक्विटी पे, ट्रू हार्डवर्क पे जो अच्छी वैल्यू ऐड करेंगे आफ्टर दिस रिसेशन वो उसका दुगना तिगना फायदा होगा। वो फिर जब रिसेशन के बाद जब दोबारा से ग्रोथ आएगी तो वो यू नो इट्स साइक्लिकल, इट विल हैपन। हाउ लॉन्ग ऑब्वियसली विल कीप ऑन डूइंग आवर एनालिसिस एज वेल, दुनिया से जो लोग बाकी भी एनालिसिस कर रहे हैं, बट यू नो नेक्स्ट 3-6 months आर डिफिकल्ट फॉर श्योर, इसके बियॉन्ड भी हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है द स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल डाउन। देर विल ऑलवेज बी रूम फॉर वैल्यू, देर विल ऑलवेज बी रूम फॉर गुड वैल्यू फॉर यू नो रियल प्रोडक्ट्स एंड फॉर रियल हार्डवर्क, वो हमेशा वैल्यू रहेगी। सो एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, वो इकोनॉमी की अंदर सबसे बड़ी अनजस्ट और अनफेयर चीज़ है। एक चीज़ की रियल वैल्यू, रियल कॉस्ट और उसके जो बाकी फीचर्स हैं उसके ऊपर, उसको एक दफ़ा बिक रही है, चार दफ़ा बिक रही है, किस किस को बिक रही है, कौन कौन ऑनर है, तो उसके अंदर जो मालूमात का फुकदान है वो सबसे बड़ा जो है वो उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो प्रॉपटेक की अर्लियर रेवोल्यूशंस ने किसी हद तक वो कम किया। हम सबको पता है कि जब ज़मीन पे आपने रेट देखा तो अब एक मोटी रेंज आपको ज़मीन से पता चल जाती है, उसके ऊपर जो है वो आप यू नो यू कैन ट्रस्ट नाउ बाय हैविंग दैट डेटा। अब वो जितना डेटा और ऑथेंटिक होता जाएगा, जितना डेटा और वेरीफाइड होता जाएगा और जितनी वो ट्रांजेक्शन और डिजिटल होती जाएगी तो ये मसले और ज़्यादा कम हो जाएंगे और एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद लोग अपनी पोर्टफोलियो प्रेफरेंस और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फैसले कर सकेंगे, ना कि फैसले जो है वो किसी धोखे में कर सकेंगे। अगर मुझे कोई बंदा ये कहे कि ये चीज़ आप आज 1 करोड़ की ले लें, ये 6 महीने बाद 2 करोड़ की हो जाएगी, एंड यहाँ हम सादा तबीयत लोग हैं, हम कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि हम सोचते ही हैं कि उस 2 करोड़ से हमने क्या करना है। वी डोंट थिंक कि वो जो 1 से 2 होनी है वो कैसे होनी है, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, अगर ना हुई तो ये क्या होएगा, अगर वो चीज़ 1 की भी ना हो उसकी असल वैल्यू, हम तो 2 के नशे में वो असेस करना भूल जाते हैं कि उसके रिस्क क्या हैं। तो प्रॉपटेक स्पेस जो है वो विद मोर इन्फॉर्मेशन, विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, विद डिजिटल विजिबिलिटी, ये रिस्क को कम करेगी। तो अगर आपके पास वो रिस्क लेने के पैसे नहीं है तो आप बनी बनाई चीज़ लें, अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आधी बनी हुई चीज़ लें, पक्की जगह पर चीज़ लें। सो इट विजिबिलिटी होनी चाहिए, उस विजिबिलिटी के बाद आपको उस विजिबिलिटी के अगेंस्ट रिस्क के अगेंस्ट रिटर्न आपको नजर आना चाहिए, फिर आपका फैसला आपने कितना रिस्क लेना है। तो प्रॉपटेक स्पेस आपको विद मोर नॉलेज ये इनेबल करेगी कि आप अपने रिस्क को मेजर करके अपनी मर्जी के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजंस ले सकें और अपनी वेल्थ को अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सकें। देखिए इन्फ्लेशन की 2 थीरीज हैं। एक इन्फ्लेशन हम जो है वो जो 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 फिस्कल साइड से एड्रेस करती है, जो इन्फ्लेशन को डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखती है, कॉस्ट बढ़ गई हैं, डिमांड जो है वो बहुत बढ़ गई है, वसायल उतनी है, तो एक ये थीरी है। मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ मॉनेटरी थीरी ऑफ इन्फ्लेशन पे, जो कि ये बोलती है कि इन्फ्लेशन जो है वो रिज़ल्ट है टोटल जो आपके मनी सप्लाई है और उसकी जो स्पीड ऑफ सर्कुलेशन है, इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई जो है वो इन्फ्लेशन के मेन फैक्टर्स हैं। उसके साथ साथ जो है वो ज़ाहिर है आपके पास उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें आप इंटरेस्ट रेट से और
अपने क्वांटिटेटिव ईजिंग के मेजर से आप जो है वो इन्फ्लेशन को काबू करते हैं। जितने ज़्यादा पैसे आप अपनी इकोनॉमी में देंगे और वो जितनी स्पीड से घूमेंगे और वसायल अगर उसके वसायलों की बढ़ने की रफ्तार उसको मैच ना कर सकें, यानी सो इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए हम टू कमोडिटी दो प्रोडक्ट्स के साथ देखें, 100 रुपये हैं हमारे पास और इसके अगेंस्ट 100 सेब हैं, सो 1 रुपये का एक सेब है। अगर जो है वो आप 100 रुपये को 200 रुपये छाप दें, 100 रुपये और छाप दें और से 100 सेब 100 के 100 ही रहे, तो अब दो रुपये से आप खरीद सकेंगे। तो वसाइल की बढ़ने की रफ्तार पैसे के बढ़ने की रफ्तार से कई कम है, तो इसलिए वो जो सारा का सारा ग्रोथ ऑफ मनी है वो अब्जॉर्ब हो रहा है रेट्स के अंदर, उन्हीं प्राइस के उन्हीं प्रोडक्ट्स के रेट के अंदर। तो इन्फ्लेशन की अगर इस थ्योरी को लेके चलें तो पैसा तो एक बहुत बुरी चीज़ है इन्फ्लेशन के हेज के लिए, क्योंकि वो अब आजकल की मॉनेटरी रिजीम में वो पैसा जो है वो बेबहा प्रिंट हो रहा है। हर साल पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ M2 हैज़ बीन 14% एवरेज, मोर और लेस 14% एवरेज, तो हम हर साल पिछले साल के मुकाबले 14% और जो है वो अपनी मनी सप्लाई को ग्रो कर रहे हैं। आजकल वो नंबर 26,000, जब इमरान साहब की गवर्नमेंट शुरू हुई थी तो वो 16,000 पे था, जब सन 2000 में वो नंबर कोई 1,000 के करीब था, 1,000 अरब के करीब था, आज वो 26,000 अरब के ऊपर है। इसी रफ्तार से ग्रो करता रहेगा तो ये ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कुछ हमारे के कैलकुलेशन के मुताबिक 2,80,000 अरब हो जाएगा बाय द ईयर 2040 इफ इट ग्रोज एट द सेम पेस द वे इट हैज़ बीन फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। अगर अगले 18 साल भी इसी तरह ग्रो करेगा तो अभी जितनी हमारी मनी सप्लाई है इससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी अगर 10 गुना नहीं बढ़ेगी तो वो सारा का सारा फ़र्क जो है वो रेट्स में जाएगा। जो एसेट्स ऑफ रियल वैल्यू हैं, जो नॉन पेरिशेबल एसेट्स हैं, वो अपने आप को लॉन्ग टर्म साइकिल में इस ग्रोथ के साथ हेज करते रहते हैं। जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो तो आप ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, लेकिन वो आप उसमें सेव नहीं कर सकते। पैसे में सेव करेंगे तो आप जो है वो इस इन्फ्लेशन का शिकार होंगे। अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो वो बिज़नेस की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना हेज मिलता है, लेकिन अगर आप रियल वैल्यू के एसेट्स पे सेव करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म साइकिल में वो अपने आप को हेज कर लेंगे इस पैसे की ग्रोथ के साथ। रियल वैल्यू के अंदर जो है वो हिस्टोरिकली गोल्ड देखा जाता है। आई बिलीव गोल्ड इज़ नॉट अ वेरी रियल एसेट, उसका इंडस्ट्रियल यूज़ लिमिटेड होता जा रहा है, बट रियल एस्टेट इज़ अ वेरी रियल एसेट। तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो लॉन्ग टर्म में किराया भी लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसकी आमदन भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसको दोबारा बनाना भी मुश्किल होगा। सो एसेट ऑफ रियल वैल्यू एट इट्स रियल वैल्यू, नॉट एट अ वेरी हाई फ्लफ्ड वैल्यू, इज़ अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अगर आपने जो है वो एक कुछ रियल वैल्यू की चीज़ लेनी है, अगर आपने एक होटल बनाना है तो शायद सारी ज़िंदगी लगेगी आपको एक होटल बनाने के लिए, अगर आपने एक ऑफिस बिल्डिंग क्रिएट करनी है तो 20 साल के बाद ही शायद आप बहुत अच्छा कमाएंगे तो ऑफिस बिल्डिंग कर सकेंगे। दाओ इस्तेमाल करता है कि आप यू कैन स्टार्ट सेविंग योर मनी एंड बींग अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। अपनी पहली दुकान एक एक फुट करके जमा करें और ओवर टाइम उसको इकट्ठा कर लें। So while you are saving, you have a hedge against inflation. You don't the time it takes to basically save enough money so that you can buy a property of real value. Us time mein jo aapka inflation ka loss hai, wo 10-20 saal hai, wo it stops people, a lot of people from creating real wealth. So DAO is tarah help karta hai ki aap ek ek foot karke jab wo le rahe honge to the time saving is losing these days. When if you save, you lose on saving. You only have gains when you invest. So by not saving but directly investing in real estate, there are few products that allow you to directly invest in real estate. With DAO we have a wide portfolio, so you can, if you have less risk appetite, you can invest in rent yielding products already constructed. If you have a higher risk appetite, you can invest in जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स हैं 5-6 साल, वो एक दो रिसेशन उसके दरमियान में आते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जो लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आपके मीडियम टर्म हैं तो जो 1-2 साल 3 साल में सप्लाई में ऐड हो रहे हैं डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशन आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट यू हैव टू। सो डाओ हम उसमें डाओ स्कोर के जरिए एक रिस्क एपेटाइट का मेजर देते हैं, बट एवरीवन नीड्स टू हैव देयर ओन एनालिसिस ऑफ द रिस्क एपेटाइट। अपनी रिस्क एपेटाइट को समझ के अगर आप जो है वो रियल एस्टेट में करेंगे तो रिस्क का मतलब ये है कि एट मैक्स आपको उतना गेन नहीं मिलेगा जितना आपने प्लान किया था, बट अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप पैसे के मुकाबले में तो हमेशा ही बेहतर रहेंगे
और यू नो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन ज़रूर कवर कर लेंगे, अगर ग्रोथ ना भी मिली तो इन्फ्लेशन को आप ज़रूर कवर कर लेंगे। तो ये रिस्क का मतलब है, इसका रिस्क का मतलब ये है कि आप 8% कमाएंगे, 4% कमाएंगे, या 20% कमाएंगे, या 25% कमाएंगे, लेकिन आप अपनी रियल वैल्यू जो है इन मोस्ट केसेस अच्छी ली गई चीज़ पे मेंटेन कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर।